नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो। मैं मनोज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल इंटीरियर ज्ञान। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक वार्डरोब का डिज़ाइन लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे वार्डरोब बनाने का काम चालू है। दोस्तों अभी ये लगभग इसका स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। दोस्तों इसमें केवल अभी लेमिनेट लगाने का काम बाकी है। तो चलिए फिर दोस्तों आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है, क्या क्या है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये वार्डरोब है, और सबसे पहले दोस्तों हम इसकी साइज़ के बारे में बात करें तो इसकी दोस्तों जो यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक पल्ले हैं, इसकी ऊँचाई दोस्तों 7.25 फीट है, और इसकी चौड़ाई दोस्तों कॉर्नर से लेकर यहाँ तक दोस्तों ये हमारा 6.5 फीट है। और ऊपर की साइड में दोस्तों देख सकते हैं लॉफ्ट बना हुआ है, और इसकी साइज़ दोस्तों 20 इंच इसकी हाइट है। दोस्तों दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 4 दरवाजे दिए गए हैं इसमें, और ऊपर की साइड में ये 6 दरवाजे हैं। तो चलिए फिर दोस्तों अभी हम दिखाते हैं प्रॉपर इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा ये वार्डरोब है, जिसका कि दोस्तों ये अभी बनाने का काम चालू है। लगभग ये इसका स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, अभी केवल लेमिनेट पेस्टिंग का काम बचा हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड में हम लोगों ने लॉफ्ट बनाया हुआ है, जिसमें दोस्तों 6 डोर्स हैं, और नीचे की साइड में दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने 4 डोर का ये दोस्तों ये टोटल वार्डरोब है। और इसकी थिकनेस दोस्तों इसकी बॉर्डर की हम लोगों ने 1.25 इंच रखा हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं इसका डोर है जो कि ये बड़ा सा डोर है, और यहाँ पे बीच में दोस्तों 2 डोर है, और इसके नीचे दोस्तों हम लोगों ने 3 ड्रावर दिया हुआ है। दोस्तों देख पा रहे हैं अभी दोस्तों हम इसको ओपन करके दिखाते हैं किस तरीके से इसके अंदर का डिज़ाइन है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे साइड में ये हमारा बड़ा सा डोर है, जिसकी थिकनेस दोस्तों हम लोगों ने 25 mm रखा हुआ है, दोनों साइड में सेम है दोस्तों। और इसके अभी दोस्तों इसका एरिया पूरा ओपन है, इसमें दोस्तों हम लोग सिर्फ एक नीचे रखेंगे, और लगभग 5.5 फीट दोस्तों लगभग दोस्तों हम इसमें 5.5 फीट इसको ओपन रखने वाले हैं। इसमें दोस्तों आप इसमें कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं, जो कि लेडीज़ लोगों का सूट वगैरह होता है। और यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं ये बीच का 2 पल्ले का दोस्तों ये बॉक्स है, इसमें दोस्तों ऊपर की तरफ यहाँ पे 3 सेल्फ आ जाएगा, और नीचे 2 ड्रावर है दोस्तों जो कि 6 इंच का है। और इसके नीचे दोस्तों देख पा रहे हैं हम लोगों ने 3 ड्रावर दिया हुआ है, जो कि बाहर की तरफ ओपन होने वाला है। दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोगों ने पुश टू ओपन चैनल का यूज़ किया हुआ है। दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर इस ड्रावर की साइज़ के बारे में बात करें दोस्तों, ये 3 फीट चौड़ा है, और इसकी ऊंचाई दोस्तों ये हमारा 10 इंच है। तीनों ड्रावर को दोस्तों हम लोगों ने सेम रखा हुआ है, दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों आप भी वार्डरोब बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं ये हमारा लॉफ्ट है, अभी इसको ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसको हम लोगों ने बॉक्स बनाकर बनाया हुआ है। दोस्तों देख पा रहे हैं जो कि 18 mm का प्लाई यूज करके करते हुए। यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों ने डोर का थिकनेस 19 mm का ऊपर की साइड में रखा हुआ है, और नीचे के दोस्तों जितने भी डोर हैं उसका थिकनेस हम लोगों ने 25 mm का रखा हुआ है, जो कि हमारा 25 mm का बोर्ड आता है दोस्तों, उसको यूज किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं दोस्तों ये रहा हमारा ये आज का वार्डरोब का डिज़ाइन का वीडियो। आप अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इसमें वार्डरोब के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।